सदसस्पति बना दिया था। और तो उसके अभिमान का ठिकाना नहीं। एक दिन महाराज सभा जुड़ी थी, सब लोग बैठे थे, वो आया तो सब लोग उसको देख के उठ के खड़े हो गए, और खड़े हो गए पर ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनका तो बेटे ही था, और बेटे को देखकर बाप कैसे खड़ा हो गए। और शंकर जी महाराज समाधि में मगन थे, तो वो भी उठ के खड़े नहीं हुए। अब तो ये जो दक्ष था उसको बड़ा अभिमान था, अभिमानी आदमी को अपने दिल पर चोट बहुत जल्दी लगती है, वो चाहता है कि लोग हमको सलाम बंदगी करें, और कोई न करे तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। हम एक सेठ को जानते हैं महाराज, एक बड़े भारी अधिकारी को उसने नमस्कार नहीं किया, तो वो अधिकारी इतना रुष्ट हुआ कि उस सेठ का सत्यानाश ही करके तब छोड़ा उसने नारायण। तो अब अभिमानी आदमी को अगर कोई छूटे नहीं तो वो नाराज होके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अच्छा है कि हाथ जोड़ के काम चला लेना चाहिए। अब शंकर जी महाराज को सब उसने कहा, ब्रह्मा जी नहीं उठे तो ठीक है, हमारे पिता है, और ये पागल राम जो है यहाँ चुपचाप बैठे हैं, और हैं तो हमारे जमाई, ब्रह्मा जी के काने कहने से इस मरकट लोचन को, बादल की तरह तो इसकी आंखें हैं, और स्मशान में रहता है और सांप पहनता है, बिल्कुल पागल है, हाँ, और मैं इसका ससुर पिता के समान, और मेरे आने पर ये उठ के खड़ा नहीं हुआ, अपने जमाई पर ही नाराज हो गए हो। अब तो महाराज उन्होंने जो अकबर कहा शंकर जी के लिए चुपचाप रहते, उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके जो भगत थे वो नाराज हो गए। ये भगत लोग आपस में छोटी छोटी बात के लिए लड़ पड़ते हैं, वो उनमें गलती बतावे, वो उनमें गलती बतावे, अब दोनों ओर से हुई साफा साफी। ये हुआ नारायण की शंकर जी को साप दे दिया भृगु ने, और उधर जो महात्मा लोग थे कि ब्राह्मण जो हैं और इनसे बहुत प्रेम नहीं करेंगे और पाखंडी हो जाएंगे, और उनके भक्तों ने, शंकर जी के भक्तों ने साफ दे दिया कि जो शंकर जी के दिल से विमुख होंगे वो कर्मठ तो होंगे लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं होगा, जल्दी ज्ञान मार्ग से वो विमुख हो जाएंगे। अब शंकर जी चुपचाप बैठ के सुनते रहे और उठे, और वहां से कुछ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, सुनते सुनते चले गए। अब वहां जाके महाराज देखो, उन्होंने सती जी से कुछ नहीं कहा, दक्ष की बेटी सती उनसे ब्याही थी, तो ससुर और जमाई में जब झगड़ा हो गया तो जमाई इतना बढ़िया कि उसने कहा कि यदि हम अपनी पत्नी से जाके घर में कहेंगे कि ससुर जी से लड़ाई हो गई है तो उसको बड़ा दुख होगा नारायण, इसलिए वो छिपा गए, बात नहीं, बातें वही की वही रह गई। बहुत दिन बीत गए। अब दक्ष के मन में आया कि वो हमको देख के उठा नहीं था तो उसको हम नीचा दिखाएंगे, और बदला लेने की जो मनोवृत्ति है ना वो बहुत बहुत बुरी है, वो क्योंकि उससे 12 बरस तक नहीं अगले जन्म तक भी आदमी अपने मन में द्वेष रखने का ख्याल करता है, इस जन्म में बदला नहीं लिया तो अगले जन्म में मैं इनसे बदला दूंगा। अरे अब तो दक्ष ने बड़ा भारी यज्ञ किया, यज्ञ में सबको तो न्योता दिया, शंकर जी को न्योता नहीं दिया। हमसे कोई कोई आके कहता है कि महाराज घर में सबको बुलाया जाता है पर हमको नहीं बुलाया जाता है, सब लोग हमारी उपेक्षा करते हैं, तो इस उपेक्षा का भी बड़ा दोष होता है, बड़ा दुख होता है अपने मन में कि सबको तो बुलाया गया हमको नहीं, अब ध्यान रख के सबको बुलाना चाहिए। तो सती जी ने देखा कि बहुत से लोग विमान पर चढ़ के देवता लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अरे ये तो हमारे पिताजी के यहाँ बड़ा यज्ञ है उसमें जा रहे हैं, अच्छा हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है तो हमारे पति क्यों नहीं चलते हैं, और जाके पूछा देखो सब लोग चल रहे हैं और हम तो दोनों अपने पिता के यज्ञ में चले। शंकर जी ने कहा कि न्योता तो आए ही नहीं,
तो उन्होंने कहा न्योता नहीं आया तो क्या, अपने पति के घर में, अपने गुरु के घर में, नारायण अपने पिता के घर में कोई उत्सव का काम हो, खुशी का काम हो, तो बिना बुलाए भी वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि देखो, अगर भूल से न्योता न आया हो और अपना समझ के किसी ने कहा बिना बुलाए आ जाएंगे, तब तो वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब जान बूझ करके कोई दुश्मनी करता हो और नीचा दिखाने के लिए न बुलाता हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब तो सती जी ने हट किया कि नहीं हम तो चलेंगे, तुम भी चलो। शंकर जी बोले कि हम तो नहीं जाएंगे। बोले तुम नहीं जाओगे तो क्या हुआ, हम जाएंगे वहाँ। अब महाराज वो तो गुस्से में आ गई, लाल लाल हो गई और दो कदम पीछे लौट गए, दो कदम आगे बढ़ पड़े। अपने पति पर ही उनको बड़ा भारी गुस्सा आ गया, क्रोध में भर गए और फिर तो महाराज उन्होंने अपना परस उठाया। परस था सती जी के पास, उसमें कंघी थी, शीशा था, उसमें शरीर रंगने की सामग्री थी और भी सब, उसमें गेंद था, खेलने का गेंद भी था। उठा के ऐसा भागवत में कहा है, जब वो अपना परस उठा के गांव में तो स्त्रियां चलती हैं तो अपनी लुगरी लुगरी माने कल पहने वाले पहनने के लिए साड़ी लेके मायके के लिए चल पड़ती हैं। अब जब पार्वती जी चली तो सब के सब सेवक जो है शंकर जी के वो इकट्ठे हुए, अरे मालकिन अकेली जा रही है भाई, भाई इनके लिए बैल ले आओ सवारी के लिए, और इनकी गिटारे ले आओ, और इनकी सामग्री ले आओ, जेवर ले आओ, सब लेकर के गए। जब सती जी पहुंची दक्ष के यज्ञ में तो वहाँ यज्ञ में जो घुसी तो देवताओं के नाम लिखे हुए थे, हो यहाँ अमुक कह रहेंगे, यहाँ ये अमुक का आसन है, फलाने इंद्र यहाँ बैठेंगे, वरुण यहाँ बैठेंगे, कुबेर यहाँ बैठेंगे। अब उनके मन में उत्सुकता हुई कि देखें शंकर जी के लिए कहाँ है। सो महाराज सारी कुर्सी ढूंढ ली, उसमें शंकर जी के लिए कोई कुर्सी नहीं थी। अब कमरे देख लिए महाराज, तो कमरे पर भी कौन कहाँ ठहरेगा, किसी कमरे पर शंकर जी का नाम नहीं। अब तो उनको बड़ा गुस्सा आया और मिलने के लिए सिर्फ उनकी माँ आई है और कुछ बहने आई, दक्ष तो उनके पास मिलने के लिए भी नहीं आया। अब तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा जिसमें हमारे पति का सत्कार नहीं है उस यज्ञ में हम कैसे रह सकते हैं। और बात ये है कि बहनों में अपना तिरस्कार हुआ, रिश्तेदारों में हुआ, देवताओं में हुआ, हमारे पति का तिरस्कार हुआ, पर स्त्री के काम माए का नहीं आता है वो कभी, जब आता है जब ससुराल ही आती है। यदि ससुराल की शिकायत मायके में पहुंचाई जाए तो मायके वाले आके थोड़ी गड़बड़ तो कर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कर और दुश्मनी बढ़ा जाएंगे, लेकिन वो मेल मिलाप नहीं करा सकते हैं। इसलिए पत्नी का तो सर्वस्व अपने पति का ही घर होता है, बल्कि उसको तो भूल ही जाना चाहिए। जब कभी कोई बुलावे, आदर करे, सत्कार करे, तब जाना चाहिए। ना ये नहीं कि चाहे जब टेलीफोन उठा के और अपने मायके में खबर भेज दी कि आज हमारी सास जी का मुंह टेढ़ा हो गया है, कहा हमारे पति जी का मुंह ठीक नहीं है, ये सब बात मायके में पहुंचाने की नहीं होती है। पत्नी की चीज तो ससुराल है, मायका नहीं। और मायके में देखा उनके पति का इतना तिरस्कार, तो पहले तो सुनाया दस शंकर एक बार भी यदि भूल में भी कोई शिव 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 ऐसे शिव ऐसा बोल दे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अंतकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। और तुम लोग उस शिव से द्वेष करते हो, ये तुम्हारा यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। और स्वयं उन्होंने अग्नि का ध्यान किया और उनके शरीर में आग लगी और वही यज्ञ भूमि में जल गई। अब तो सब के सब दक्ष को जो है वो गाली देने लगे कि हाय हाय, अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखा, इसने जमाई का तिरस्कार किया। अब बेटी भी कैसी कि अपने पति का तिरस्कार देख करके
है, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके मन में आया कि अब मैं लौट के शंकर जी के पास भी जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी, और जब वो कहेंगे हमको दक्ष नंदिनी कह के हमको पुकारेंगे तो कितना व्यंग हमको मालूम पड़ेगा। सो वो तो आग में जल गई, हाहाकार मच गया महाराज। अब दक्ष का यज्ञ चलने लगा, उनके साथ जो गण गए थे उन्होंने कुछ विघ्न डालने की कोशिश की, तो भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वहाँ ऐसे देवता प्रकट हुए थे, लगा दिया। अब महाराज कई दिन बीत गए, तो नारद जी शंकर जी के पास पहुंचे, वो तो अपन समाधि में मगन। आका बोले बाबा जी बड़े मस्त रहते हो, तुम्हारी घरवाली कहाँ है? तो बोले तू अपने मायके गई है, आजकल वहाँ यज्ञ मंदिर है, मैं तो नहीं गया। अरे यज्ञ में नहीं, मालिक मायके में नहीं है, वो तो मर गई। तो मर गई, हाँ। ये सुनते ही महाराज शंकर जी को आ गया गुस्सा, और उन्होंने अपनी नोच, जैसे कोई बाल नोच ले ना गुस्से में, वैसे उन्होंने अपना बाल नोच लिया, और नोच के दो पटका पटका से उसमें से तो एक महाराज वीरभद्र प्रकट हुआ, और वो स्वयं पहुंच गया दक्ष के यज्ञ में, और वहाँ यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जो देवता थे महाराज उन्हें पीट पीट के, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की आंख तोड़ दी, और महाराज जो भृगु जी महाराज होम करते थे कि इसको मारने वाला कोई पैदा हो तो उनकी दाढ़ी उखाड़ ली, और अंत में दक्ष का सिर काटना चाहा उन्होंने कि काट के कुंड में डाल दे। तो अब यज्ञ में दीक्षित था, जो यज्ञ में दीक्षित नहीं होता, दीक्षित होता है वो ऐसे नहीं मरता, कायदे से मरता है, बेकायदे नहीं मरता। ये भागवत में ये बात लिखी है कि यदि कोई भागवत सुनता हो तो सुनते समय वो मर नहीं सकता है। नारायण ये बात लिखी है क्यों? यो लिखी है कि जो जमराज है वो भी सुनने के लिए आते हैं, तो श्रोता बन के बैठ जाते हैं, वो भागवत सुनने वालों के ऊपर अपनी मौत का फंदा नहीं फेंकते हैं, वो सामित्र कर्म में वो नियुक्त रहते हैं। ये बात भागवत के प्रथम स्कंध में ही कही हुई है। अब तो यज्ञ में दक्ष मरे नहीं तो कैसे मरेगा? उन्होंने सोचा यहाँ तो एक ही मरता है, कौन? जिस पशु का यज्ञ में वध होता है, ठीक है। सो उन्होंने उसने गला उनका और सिर उठाया और पटक दिया, यज्ञ के कुंड में डाल दिया। स्वाहा, अब तो महाराज स्वाहा बोलते ही दक्ष का सिर जो है वो तो जल गया, और यज्ञ हो गया भंग, और किसी और जिनकी आँख पूरी थी वो सब देवता और ऋषि लोग भाग के गए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि वो बाबा सबके बड़े हैं ना, पितामह हैं, तो कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो वो कोई पक्षपात नहीं करते हैं, सबके प्रति निष्पक्ष रहते हैं। ये महाराज ब्रह्मा जी का काम है, कोई देवता कहे कि हे ब्रह्मा जी आओ हमारे पक्ष में होके तो किसी दैत्य को मारो, बिल्कुल नहीं मारेंगे हो, और कोई दैत्य कहे कि हमारे पक्ष में हो के देवता को मारो, का नहीं, ये दोनों हमारे बेटे हैं बाबा, अच्छा है तो क्या, बुरा है तो क्या, हमारा बेटा है भला। इसलिए जब सीधे लोग आपस में लड़ते हैं ना नारायण, तो चाहे पिता हो चाहे गुरु हो, जो बड़ा होता है उसको पक्ष विपक्ष में नहीं जाना चाहिए, समता में ही रहना चाहिए। अब तो ब्रह्मा जी जो है वो सबको लेकर शंकर जी के पास गए, और शंकर जी महाराज वहाँ कुछ बात ही नहीं, सनत कुमार आदि ऋषि उनके पास बैठे हुए थे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हो रहा था। कटाकाश और मठाकाश दोनों में एक महाकाश है, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य नारायण है, और प्रपंच अवच्छिन्न चैतन्य एक ही है, अद्वितीय, उसमें द्वैत की कोई गंध नहीं है। और वहाँ तो ये चर्चा हो रही, ब्रह्मा जी के जाने पर शंकर जी उठ के खड़े हुए और उनका आदर किया, बैठाया। ब्रह्मा जी बोले कि देखो दक्ष से बड़ा अपराध हुआ, तुम यज्ञ में तुम्हारा भाग नहीं रखा, उसकी पुत्री भी मर गई, अब नारायण जैसे वो यज्ञ पूरा हो वैसा कुछ करो। शंकर जी ने कहा अरे तो बच्चे हैं, इनकी बात पर मैं कोई ध्यान थोड़ी देता हूँ, हाँ हाँ, ना हम प्रदेश बाला नाम
ये जो बच्चे हैं ये तो कोई ना कोई गलती तोड़ फोड़ करते ही रहते हैं, तो मैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको साक्षात पर ब्रह्म हो, शंकर जी ने कहा तुम साक्षात पर ब्रह्म हो, महाराज दोनों आनंद में मगन, आप दक्ष के जगत की रक्षा होनी चाहिए। सो महाराज वो शंकर जी ने कहा कि अच्छी बात है, उनकी दाढ़ी उखड़ गई है, तो ससुराल के लोग हैं उनके साथ थोड़ा मजाक चल सकता है, नारायण उनकी दाढ़ी है बकरे की दाढ़ी जोड़ दी जाए काम चल जाएगा। और शंकर जी की आंख फूट गई है सो, तो वो सूर्य की आंख से देखने लग जाए, रहेंगे तो अंधे लेकिन उनको दिखाई पड़ेगा, हो दोनों आंख न रहते हुए भी उनको दिखाई पड़ेगा। अब जिनका दांत टूट गया है महाराज उनका क्या होगा, कि जजमान अपने मुंह में डाल के अपने दांत से चबाएगा और उनको स्वाद आएगा, जजमान का जूठा खाना पड़ेगा उनको। अब इस दक्ष का क्या हो, का हो क्या, उसके सिर पर बकरा का सिर डालना था ओम कुंड में नारायण, अब उसकी जगह पर उसका सिर पड़ गया, तो बकरे का सिर जोड़ दो दक्ष के सिर पर, अब बकरे का मुंह बन गया ससुर जी का। ऐसा मजाक किया महाराज शंकर जी ने, ससुराल वालों के साथ कुछ थोड़ा थोड़ा मजाक होता भी है। अब ठीक है, अब यज्ञ संपन्न हो जाएगा, अब विष्णु भगवान अब जब यज्ञ में गए लोग और दक्ष के सिर पर वो बकरे का सिर जोड़ दिया गया, तो वो सवास में आया, अब तो वो अपने बेटी की याद आई, रोने लग गया, शंकर जी का अपराध स्वीकार किया, विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए। पहले विष्णु भगवान नहीं आए थे, वो जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है ना वहाँ विष्णु भगवान नहीं जाते हैं, मतलब वो जरा अलग ही रहते हैं। अब तुम्हें लड़ना हो तो बाबा लड़ जाओ, मर जाते हैं यहाँ से ना, अपने से छोटे दो आदमी जब लड़ने लगे तो बड़े आदमी को वहां से हट जाना चाहिए हो। हाँ कि भाई जब उनको इतनी अदब नहीं है, इतना विनय नहीं है, इतना कायदा नहीं है कि बड़े के सामने हमको बात नहीं करनी चाहिए, इसके लिए बहुत से कायदे हैं, बड़े के सामने पांव पर पांव रख के नहीं बैठना, जोर से नहीं बोलना, काना फूसी नहीं करना, बड़े के सामने बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, उसको बड़ा अपराध माना जाता है शास्त्र में, बात करनी हो तो वहाँ से उठ के दूसरी जगह चला जाना चाहिए और इतने धीरे धीरे बात करना चाहिए कि उसको कोई विक्षेप न हो। तो लोग शिष्टाचार के जो ग्रंथ है उनको तो पढ़ते नहीं है, भारतीय शिष्टाचार या वैदिक शिष्टाचार का तो कुछ पता नहीं, स्मार्ट शिष्टाचार का बैठे और आपस में गप फाकने लगे, और जो बड़ा बूढ़ा है वो फकुआ की तरफ देख रहा है, बिल्कुल बुद्धू बिल्कुल बुद्धू बन के सुन रहा है, वो लोग अपना आसन बजा रहे हैं। हाँ नारायण विष्णु भगवान नहीं आए थे, फिर जब सब ठीक हो गया तब विष्णु भगवान आए, और आए दक्ष ने उनकी स्तुति की और ब्रह्मा ने की, नारायण रुद्र ने की, ब्राह्मणों ने की, महात्माओं ने की, और विष्णु की कृपा से यज्ञ सफल हो गया, अवध स्नान हो गया नारायण। लेकिन सती तो मरी गई, अब सती तो कहाँ से जिंदा हो गए। तो इसमें ये बात बताई गई कि भगवान का आश्रय लेकर के जो धर्म किया जाता है वो तो सफल होता है, और भगवान से विमुख होकर के जो धर्म किया जाता है वो निष्फल होता है। अब आगे ये बताया नारायण की स्वयं भुग मनु के जो बेटे थे ना उत्तान पात, उनके दो रानियां थी, बीच में छोटे छोटे वंशों का वर्णन है, उनके भी हुए उनके भी हुए उनके भी हुए। आप लोगों को तो शायद मालूम भी नहीं, अधर्म की पत्नी अधर्म की घर वाली होती है, तो उसके घर वाली का नाम क्या है, झूठ मृषा, जहाँ अधर्म होगा वहाँ अधर्म की सहधर्मिणी क्या भाषण, झूठ जरूर होगा, अगर झूठ नहीं बोलेगा कोई तो अधर्म कैसे कर सकेगा नारायण। फिर उनके बेटे होते हैं तो उनमें क्या होता है, दम्भ होता है, दम्भ पुत्र होता है नारायण, और इस प्रकार छल कपट होते हैं तो धर्म का वंश है। और नारायण महात्माओं का कैसे कैसे जन्म होता है ये है। फिर जब उत्तान पाठ की कथा आई तो ये सात अध्यायों में तो धर्म का प्रसंग है, क्योंकि जज में सात तंतु होते हैं,
और वहाँ 19 अध्यायों में असुर वंश की कथा है तृतीय स्कंध में, और 14 अध्यायों में दैव वंश की कथा है, और चतुर्थ स्कंध में 7 अध्यायों में पहले धर्म की कथा है, उसके बाद अर्थ की कथा। पहले धर्म रहेगा तभी सहन टिकेगा। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम दस वर्षाणि तिष्ठते, बेईमानी से धन कमाए तो वो 10 वर्ष तक रहता है। प्राप्ते त्रेकादशे वर्षे तूलिते व विनश्यति, रूई के ढेर में जैसे आग लग जाए और भस्म हो जाए, वैसे बेईमानी से कमाया हुआ जो धन है वो टिकाऊ नहीं होता है। उसको टिकाने के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। तो महाराज उत्तान पाद के 2 पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। उत्तान पाद महाराज जो उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है वो जीवात्मा उत्तान पाद है, नारायण ऊपर उठ रहा है, ऊपर जा रहा है नारायण। अब उसके सामने 2 पत्नी है, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। माने एक है घर में है महिला, वो बड़े कायदे से सब काम करती हैं, अपने बड़े पुत्र के साथ कैसा व्यवहार, छोटे पुत्र के साथ कैसा व्यवहार, बहू के साथ कैसे, नाती पोते के साथ कैसे, सब सुनीति से अच्छी नीति के द्वारा सबके साथ व्यवहार करती हैं और चलती हैं। और दूसरी श्रीमती है वो क्या करती है, घर में कालीन ऐसा होना चाहिए और सजावट ऐसी होनी चाहिए और शीशे ऐसे होने चाहिए, तस्वीर ऐसे लगने चाहिए, दिन भर सफाई के काम में लगी रहती है। सुरुचि उनका नाम हुआ, कपड़ा ऐसा, जेवर ऐसा नारायण, नारायण साड़ी ऐसी तो चूड़ी ऐसी तो तिलक ऐसा तो चप्पल ऐसी नारायण, ये सब मैच करने में ही लगी रहती है। बड़ी सुरुचि संपन्न महिला है नारायण, ठीक है। सुरुचि संपन्न महिला से उत्तम पुत्र होता है, उत्तम माने उस समय सुख मिलता है। लेकिन जो सुनीति है जो नीति से सारा व्यवहार करती है उसके पुत्र होता है ध्रुव। ध्रुव माने जो चिरकाल स्थायी हो नारायण, चिरकाल तक हो, बहुत दिन तक, बहुत दिन तक जो रहे उसका नाम होता है ध्रुव। और चमके और बुझ जाए, जैसे जुगनू रात को चमकता है और बुझ जाता है, उसको बोलते हैं सुरुचि। जो तत्काल के सुख में भटक जाते हैं, भूल जाते हैं नारायण, उनको स्थाई चिर सुख चिरकाल तक, बहुत दिन तक नहीं मिलता है। तो महाराज एक दिन क्या हुआ कि सुरुचि का बेटा था उत्तम, वो राजा की गोद में बैठ के खेल रहा था। इतने में सुनीति का पुत्र आया ध्रुव, और उसने सोचा कि हम भी अपने बाप की गोद में चढ़ जाएं। तो बाप ने मना नहीं किया हो, उसको तो अपने दोनों बेटे दोनों पर बड़े प्यारे थे। लेकिन वो जो सौत बैठी थी वहाँ सौतेली माँ सुरुचि, उसने कहा अरे हो अभी न तो तुमको ठीक स्नान कराया है और न तो तुमको बढ़िया कपड़ा पहनाया है, न तिलक लगाया है, न बाल संवारा है, तुम अपने बाप की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुमको राजा अपने गोद में महाराज कैसे लेंगे, बना उसको डांट दिया। तो ध्रुव की समझ में और कुछ नहीं आया, इतना ही आया कि ये बाप के गोद में बैठने से मना कर रही है। फिर बोली ये देखो, यदि राजा की गोद में सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जा करके भगवान की आराधना करो, और आराधना करके फिर मेरे गर्भ में आओ, जब मेरे पेट से पैदा होगे तब राजा की गोद में बैठ सकोगे। ये महाराज बहुत बड़ी ही बात है, माने इसमें ईश्वर का अपमान है। ईश्वर का अपमान क्या है कि ईश्वर का भजन आराधन करने पर भी तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, आराधना करके जब मरोगे और मर के मेरे पेट में आओगे तो मेरे पेट से तुम्हें राजा का सिंहासन मिल सकता है, बिना मेरे पेट में आए नहीं। अन्य स्त्री गर्भ संभव हो करके भगवान का अपमान किया तो अलग, और अपने पेट की महिमा जो स्थापित की तो अलग, यही तो उसका अपराध हुआ।
नारायण, और ध्रुव की समझ में तो बात आई नहीं, और रोते हुए कि हमको पिताजी की गोद में बैठने को नहीं मिला, वहाँ से चल पड़े, और चल पड़े तो अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास। सुनीति ने कहा क्यों रोता है? अब दासी ने बताया कि सुरुचि ने इसको ऐसे ऐसे डांटा है कि जब तक तुम मेरी गोद में नहीं आ, मेरे पेट में नहीं आओगे, तब तक सिंहासन नहीं मिलेगा, भगवान की आराधना करो, मेरे पेट में आओ। अब तो महाराज सुनीति को लगा तो बहुत बुरा, लेकिन महाराज वो आखिर तो सुनीति थी, नीति पूर्वक सब काम करते थे। वो बोली कि बेटा भले सौदेवी माँ ने ऐसी बात कही हो, लेकिन उसने बात सच्ची कही है, बिना भगवान की आराधना किए किसी को ये सम्राट का जो पद है ये प्राप्त नहीं हो सकता, राजा का सिंहासन प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसके गर्व वाली बात तो उसने छोड़ दी, और इतना ही पकड़ा कि देखो यदि किसी से कभी कोई बात निकल जाए तो उसमें जो गलत सलत हो इसको छोड़ देना चाहिए, और जो अच्छी बात है उसको पकड़ लेना चाहिए। ये तो घुबरौले का काम है महाराज कि वो शक्कर के ढेर पर चढ़े और वहां से जाके बिस्ता अपने मुंह में भर के ले आए। नारायण चीटी का ये काम है कि वो गोबर की ढेर पर चढ़े और वहां से एक कण शक्कर का हो तो उसको ले आवे। तो अपने मन को गोबरौले की तरह नहीं बनाना चाहिए, चीटी की तरह बनाना चाहिए। हर जगह से जो अच्छी अच्छी बात है उसको ले लेना चाहिए, और जो बुरी बुरी बात है उसको छोड़ देना चाहिए। ये है सुनीति। सुनीति ने कहा वो अब हमारे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, वो छोड़ दिया। बोले भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, ये बात तुम्हारी सौतेली माँ ने बहुत बढ़िया कही बेटा। सो हमारे पतिदेव तो हमको पत्नी मानने में ही संकोच करते हैं, वो तो इस समय सुरुचि के से प्रेम करते हैं। सो उसने कुछ ठीक कहा। ध्रुव ने कहा अरे हमारी माँ भी यही कहती है कि भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो तुरंत उसका क्षत्रिय तेज आ गया, बोले हाँ हम तो भगवान की आराधना करेंगे। अब जो महल से बाहर निकला, बालक महाराज 5 बरस का, उसको सामने नारद जी मिल गए। अब नारद जी को देख के तो उसने नमस्कार भी नहीं किया, सलाम बंदगी कुछ नहीं, हाथ वाथ नहीं जोड़ा, सिर नहीं झुकाया। नारायण क्षत्रिय था, मगन था। नारद जी ने कहा देखो ये है क्षत्रियत्व महाराज, बालक में ये है क्षत्रिय बना, ठीक स्वभाव है। बोले बेटा देखो अभी तुम्हारा कोई मान अपमान नहीं होता है, भगवान की ओर से जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो होता है, और महात्मा लोग तो अपमान को बहुत बढ़िया समझते हैं क्योंकि उससे तपस्या बढ़ती है, और अपमान को बुरा समझते हैं क्योंकि तपस्या घट जाती है। तो तुमको सह लेना चाहिए, सह लेना चाहिए, और घर में रहना चाहिए, बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे तो भगवान की आराधना कर लेना। बच्चे जाओगे जंगल में कोई भेड़िया कोई शेर मिलेगा, डर जाओगे, खा जाएगा, तुम क्यों जाते हो? अब तो ध्रुव ने कहा कि महाराज देखो ये महात्माओं की बात महात्मा लोग जाने, हम तो है क्षत्रिय, और हमारे चित्त में ये बात जो है वो चुप गई है। बाण से उतना घाव नहीं लगता है वो, जितना बाण की घरवाली से घाव लगता है। बाण की घरवाली को जानते हैं आप? बाण तो तीर होता है ना, तीर, और बाण मारे तीर, और जो धनुष पर चढ़ा के मारा जाता है, और बाणी वो होती है महाराज घरवाली, बाण की घरवाली बाणी है, वो जीव के धनुष पर चढ़ के निकलती है, वो जीव के धनुष पर उनसे चढ़ के निकलती है, और बड़ा भारी चोट घायल, दिल घायल कर देती है हमेशा के लिए। अब हमारा दिल घायल हो गया है महाराज, अब हमको जाएंगे, और आप डराते हैं शेर के लिए भेड़िया के लिए। तो घर में से निकलते ही आपका दर्शन हो गया, तो ये तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, मंगल हुआ। अगर भगवान की हमारे ऊपर कृपा न होती तो आप जैसे महात्मा का दर्शन कैसे होता? तो महाराज नारद जी ने कहा कि अच्छी बात है, तुम जाओ। और बता दिया कि ऐसे रोज यमुना जी का स्नान करना और मधुबन में रहना,
रूप लीला बोलते हैं अधिवक्त्रा में वो बना हुआ है। और ऐसे आसन करना, प्राणायाम करना, और जो तुम्हारे पास वस्तु मिले उससे भगवान की पूजा करना, और पहले महीने में ऐसे, दूसरे महीने में ऐसे, ऐसे करके उन्हें बता दिया महाराज। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश कर दिया। इस मंत्र का जप 12 के हिसाब से होता है, 12 माला करो, नहीं तो 2 दिन में 12 माला करो, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में 4 माला करके 12 माला करो, 12,000 करो नारायण, 12,00,000 करो, 12 करोड़ करो, ऐसे इस मंत्र की संख्या, स्तर की संख्या के अनुसार और जप होता है। और सब विधि विधान बता दिया, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे भगवान की मानसी पूजा करना, कैसे द्रव्य से जो वस्तु मिले उससे पूजा करना। और नारद जी तो उधर भेज के उसको गए, रजवास चले गए महल में। अब वहाँ तो राजा बड़ा दुखी हो रहा था कि हाय हाय हमारा बेटा कहाँ गया, खो गया है। नारद जी ने कहा कि फिक्र मत करो, अब देवता लोग उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो भगवान का मंत्र लेके गया है, थोड़े दिनों में सफलता मिलेगी। और ध्रुव पहुंच गए महाराज धीरे धीरे मधुबन में। पहले दिन तीर्थ में जाके खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करना चाहिए हो, तब गए और लकड़ी कहाँ से आ रहा है और कोयला कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे जले और क्या पकवान बने, ये सब फिक्र नहीं करनी चाहिए। पहले दिन जाके तीर्थ में उपवास करना। तीर्थ सबको फल नहीं देते हैं, अपने बड़े कंजूस होते हैं तीर्थ। तीर्थ में जा करके जो अपने हाथ पांव को बिल्कुल ठीक रखता है, अपनी इंद्रियों को ठीक रखता है, मन को ठीक रखता है और कुछ देता है। ये महाराज पैसे वाले जाते हैं ना तीर्थ में, तो कहते हैं कहीं वशिष्ठ जी मिल जाए तो उनको 5 पैसे का दान करें। अब ये साले ले तो जाते हैं बेईमानी का पैसा, है ना, बेईमानी का पैसा, और लेने के लिए आवे वशिष्ठ उनके पास, है ना, तो कि उनको देने लायक कोई मिलता ही नहीं है। लेके जाते हैं और लौट जाते हैं, वो कहते हैं देने के लिए जब योग्य कोई मिलेगा तब ना उसको देंगे। हाँ, तुमने बड़ी योग्यता से पैसा कमाया है तो योग्यता आदमी तुम्हारे पास लेने के लिए आवेगा। नारायण तीर्थ में जाम श्लोक है नारायण का, दानम तपस्य वो उसको तीर्थ का फल मिलता है। अब तीर्थ में जाके जमुना स्नान किया, उपवास किया, और उसके बाद बड़े नियम से रहने लगे महाराज। 6 महीने तक ध्रुव जी ने तपस्या की, 6वें महीने में 1 अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और महाराज हवा पीना भी बंद कर दिया, प्राणायाम में स्थित हो गए। अब तो देवता लोग दौड़ाए कि अब तो हम सांस कहाँ से लें। तो महाराज सब के सब भगवान के पास गए, ये तो सबका श्वास रोध हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बोले कि अच्छा, मैं ध्रुव को तपस्या से निवृत्त करता हूँ, तो गरुड़ पर चढ़ करके भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए। अब महाराज ध्रुव ने देखा तो इनसे क्या बोलना चाहिए, वो तो बालक, उसको मालूम भी नहीं महाराज। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि ध्रुव को ऐसे ध्यान में मगन थे कि भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं, इसका भी पता नहीं चला। तब भगवान ने अब उनके हृदय में से अपने स्वरूप को बाहर कर लिया। अब ध्रुव की आंख खुली, व्याकुल हुए, भगवान कहाँ गए महाराज। तो देखा भगवान सामने प्रकट है, तो स्तुति की, यो प्रवेश्य मम वाच निमाम प्रसुप्ताम संजीवयस्य किल शक्ति नरम वधाना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वजाहि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बोले महाराज, हो क्या बोले आपके लिए, कुछ आता नहीं है बालक। तो भगवान ने कहा हमारे सामने का शिक्षा कर रहा है, तो अपना शंख जो था उसको ध्रुव जी के कपूर से छुआ दिया, और शंख का स्पर्श करते ही शंख माने होता है सम, शांति, जिसके क्षेत्र में शांति का निवास हो। जब शंख में से ध्वनि निकलती है तो दूसरी ध्वनियों को, आवाजों को फाड़ कर फेंक देती है। जो अपवित्र अपवित्र ध्वनियाँ हमारे हृदय में भरी हुई हैं, उनको फाड़ के फेंक देती है और शांति की ध्वनि का संचार करती है। भगवान ने अपने संघ से कपोल किया,
अब तो महाराज तुरंत ज्ञान हो गया, ओहो भगवान कहाँ रहते हैं, कहिए हमारी जीभ कैसे बोलती है, हमारे हाथ कैसे हिलते हैं, हमारे पांव कैसे चलते हैं, हमारे मन में विचार कहाँ से आते हैं। अरे जो अंतर्यामी इन सब का प्रेरक हमारे दिल में बैठा हुआ है साक्षात भगवान, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। हम ध्रुव जी ने स्तुति की महाराज की आपके चरणारविंद के ध्यान में भजन में जो सुख है वो सुख तो ब्राह्मी स्थिति में भी नहीं होता है, सो और स्वर्ग आदि में तो हो गई कहाँ। अब तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान ने ध्रुव से कहा कि देखो ध्रुव अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, तुम चाहते थे अपने पिता का सिंहासन, तो पिता का सिंहासन तो अब तुमको मिलेगा ही, वो तो पक्का है, लेकिन यहाँ का राज्य पूरा करने के बाद तुमको वो लोक मिलेगा जो चंद्रमा से सूर्य से नारायण सप्तर्षियों से भी ऊपर है, और वहाँ तुम निवास करोगे। ये न तुम्हारे कभी पिता को मिला उत्तान पान को, और न तो तुम्हारे पितामह स्वयं भू मनु को मिला, ये पद तो सर्वोपरि है और तुमको ये हम देते हैं, और मृत्यु के समय जब यहाँ से शरीर तुम्हारा टूटने लगेगा तो हमारे पार्षद आएंगे, विमान आएंगे, तुमको ले जाएंगे। अब तो ध्रुव जी ने भगवान की बात सुन ली, नमस्कार किया, जब घर लौटने लगे तब ध्रुव जी के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और बोले महाराज कि बड़े बड़े ऋषियों को हजारों जन्म तपस्या करने पर जिन भगवान की प्राप्ति होती है, वे भगवान स्वयं हमको दर्शन देने के लिए आए और मैंने उनसे एक पद मांगा, नारायण का हमको तो कोई मिनिस्टर बना दो, राज्यपाल बना दो, जिसे कोई माने ना, एक प्रांत का राज्यपाल बना दो, ध्रुव लोक में हम ध्रुव होके रहेंगे। मैंने तो बड़ी भारी गलती की, अब तो रोए ध्रुव, लेकिन महाराज इधर जब उनके पिता को पता लगा बड़ा स्वागत सत्कार करके दे आए, थोड़े दिनों में राजा ने ध्रुव को राज्याभिषेक दे दिया, वो तो राजा हो गए और जो उनके पिता थे उत्तान पास वो चले गए तपस्या करने, और नारायण उत्तम गया शिकार खेलने के लिए, सो नारायण वहाँ किसी जक्ष ने उसको मार दिया और उसकी मां ढूंढने के लिए गई तो वो सुरती भी मर गई। अब इधर ध्रुव हो गए राजा और सौरे सम्राट महाराज, ध्रुव लोक में जाने पर भी ध्रुव को पश्चाताप होता था, नारायण ध्रुव अपनी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे। नारद जी ने पूछा क्यों ध्रुव क्यों रो रहे हो, तो हमको हमसे जो बड़ी से बड़ी गलती हुई है नारायण की, हमने भगवान से संसार की वस्तु मांगी, ये जो हमसे गलती हुई वो हमारे दिल से उसकी चोट गलती नहीं है। अब ध्रुव को राज्य करने लगे, सर अब एक बात आपको ये सुनाते हैं, नारायण मुझे दिने हुए ऋषियों की सभा हो गई, बड़ी भारी सभा जुड़ी और ऋषियों ने कहा कि हम लोग को हजारों बरस से तपस्या कर रहे हैं तो भगवान हमारे पास आते नहीं, और ये जो बच्चा ध्रुव है इसको 6 महीने में प्रसन्न होकर दर्शन देंगे, ये भगवान बड़े पक्षपाती हैं। नारायण ये ऋषि लोग निर्णय कर रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण आ गया, उसने कहा महात्माओं क्या बात है, ऐसी ऐसी बात है, कहो चलो आप लोगों को गंगा जी में घुमाने के लिए ले चलते हैं तो वहाँ इसका जवाब मिलेगा। अब महाराज वो ब्राह्मण नाव में बैठा के ऋषियों को ले गया गंगा जी में, बड़ी बड़ा भारी गंगा जी का मीलों का लंबा पाट, और उसमें एक सफेद ढेर दूसरी सफेद ढेर पीले बने हुए थे गंगा जी के बीच में। ऋषियों ने पूछा भाई ये क्या पीले बने हैं, तो बोले तो हड्डियां हैं, कई हड्डियां किसकी है, कही ये ध्रुव ने पूर्व पूर्व जन्म में जो भगवान के लिए तपस्या की है उसकी हड्डियां हैं, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, थोड़ी तपस्या पर भी दर्शन दे देते हैं, लेकिन जीव जो है उनके जन्म जन्म की तपस्या जब इकट्ठी होती है शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं तब उसको भगवान के दर्शन होते हैं।
महाराज ये तो ठीक है पर भगवान के दर्शन से भी काम नहीं चलता है। ये बात हम भागवत में आपको जगह जगह सुनाएंगे, केवल भगवान आके आंखों के सामने दर्शन दे दे ना, और ये गाँव के लोग हैं, महाराज व्यापारी लोग हैं, बाणिया लोग हैं, जब सुनते हैं कि इनको किसी को राम का दर्शन हो गया, कृष्ण का दर्शन हो गया, नारायण का दर्शन हो गया, तो समझते हैं कि अब इनसे बड़ा और कोई है ही नहीं। क्या असल में ये भगवान का जो रूप होता है वो तो जब जब किया तो उनका विभावयंती भावना के अनुरूप होता है, और भगवान का जो असली एक रूप है उसको तो महात्मा लोग जानते हैं। उसका जिसको अनुभव होता है वो महात्मा होता है, अद्वैत तत्व का अनुभव करने वाला। अब तो महाराज जब ध्रुव ने देखा कि हमारे भाई में कोई जस्ट मार गया तो उनको आया क्रोध, और क्रोध हारे बंदे की सेना अलका पर उन्होंने चढ़ाई कर दी। अब वहाँ महाराज हजारों लाखों यक्ष लड़ने के लिए आवे और ध्रुव उनको मारते जाए, बहुत मारे गए महाराज। अब बड़ी भारी माया फैलाई कुबेर ने, उसमें ध्रुव का रथ ढक गया तो ऋषि लोग जो है वो कहने लगे नारायण अपने भक्त की रक्षा करो, अपने भक्त की रक्षा करो, मंगलम मंगलम मंगलम, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो फिर ध्रुव साधा ओ नारायण आश्रम लेके और कुबेर की सेना और कुबेर को मारने के लिए तैयार। अब तो माया नष्ट हो गई महाराज, और उसी समय स्वायंभू मनु जो है ये तत्वज्ञ हो, स्वायंभू मनु बिना गुरु के ही तत्वज्ञानी होते हैं, ये ईश्वर नित्य सिद्ध ज्ञानवान है, और नारायण हिरण्य गर्भ को भी गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी नित्य ज्ञानी है, नारायण विराट भी तो नित्य ज्ञानी है, और नारायण स्वयं गुरु मनु तो नारायण जैसे वामदेव बोलते हैं अहम मनु रभवम सूर्य नित्य सिद्ध ज्ञानवान है स्वयं गुरु मनु। वो तक आ गए करे बेटा पौत्र है न ध्रुव, उनसे पूरा राम राम राम, तुम को भगवान का दर्शन हुआ, इतनी बड़ी तपस्या एक जन्म करके में करके भगवान को पा लिया, और अभी तुम्हारे मन में इतना क्रोध बाकी है, सो बाबा सबसे बड़ी चीज क्षमा है, जिसमें सहन शक्ति नहीं है, सहिष्णुता नहीं है नारायण, वो क्या महात्मा है, उसमें क्या सदविचार है। देखो किसी एक जक्ष ने तुम्हारे भाई को मार दिया था, तुमने उसके बदले में लाखों जक्षों को मार दिया, और अब नारायणास्त्र का प्रयोग कर रहे हो, कुबेर जैसा देवता जो भगवान का भक्त है उसकी अलकापुरी और भगवान के कोषाध्यक्ष सब जगह धन भेजने वाले कुबेर देवता, नमो वयम वैश्रवणाय गुरुमहे, वैश्रवण देवता उनके ऊपर तुम नारायणास्त्र का प्रयोग करते हो, क्षमा करो बेटा, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या जीवितेन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। भगवान कैसे खुश होते हैं, जब जो दुखी है उसके ऊपर दया करने से भगवान खुश होते हैं, और अपने को जैसा जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे महाराज, ज्यादा इकट्ठा करने के लिए और बढ़िया से बढ़िया चीज हमको मिले नारायण। अब बढ़िया ही बढ़िया तुम देने लगोगे तो अच्छी लड़की तो दुनिया में किसी को नहीं मिलेगी ना, सब तुम्हारे पास आ जाएगी, और अच्छा खाना तुम्हारे पास, और अच्छा भोजन तुम्हारे पास, और अच्छा कपड़ा तुम्हारे पास, जिंदगी बिताने का तरीका है नारायण, जैसा भगवान अपने को दे उसमें संतुष्ट रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो, और अपने इंद्रियों को शांत रखो, इनमें कोई उद्वेग न आवे, इससे सबके दिल में बैठे हुए जो भगवान है वो प्रसन्न होते हैं, और भगवान की बिना देखो छोटा सा समाज भी यदि अपने साथ नहीं हो तो मनुष्य को अपने इस जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। फिर तो नारायण प्रांत हो, राष्ट्र हो, विश्व हो,
सारी मानवता हो, सारे प्राणियों, कने में सबको ढूंढने कहाँ जाओगे, सबके दिल में जो एक बैठा बैठा है उसका ख्याल रखो और अपनी इंद्रियों को शांत रखो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, दुखी पर दया करो। ये तीन काम करने से भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, बाबा तुमने क्रोध करके बहुत बुरा काम किया है, ये तो भगवान के भक्त है कुबेर जी, तो तुमने सब नारायण अस्त्र को वापस ले लिया, बाण दे दिया, नारायण शांत हो गए। अब कुबेर को पता चल गया गुप्त करो से कि ध्रुव का क्रोध उतर गया, तो झटू आए हो और आ करके ध्रुव को अपने हृदय से लगाया, करे तुमने नहीं मारा, न तो जक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा और न तो तुमने जक्षों को मारा, ये मृत्यु तो होनी थी तो हो गई, बेटा तुम बार मांग लो, जो तुम्हें बन चाहिए तो मांग लो। अब तो ध्रुव ने उनसे कहा कि ये जो हमारी भक्ति जो है ये इतनी देर के लिए गुस्सा आने पर हो, क्रोध आने पर हमारी भक्ति का लोप हो गया था हमारा, तो अब ऐसा वरदान दो कि हमको नित्य निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान की भक्ति बनी रहे और अभेद बुद्धि जो है भगवान की संपूर्ण जगत और जीव से अभेद बुद्धि बनी रहे। तो स्वयं भू मनु के समझाने से उनको ज्ञान तो हो गया और कुबेर ने वरदान भी दे दिया, परिपुष्ट हो गया, अब कुबेर से मित्रता हो गई और लौट आए। फिर उन्होंने ध्रुव ने महाराज अंत में विरक्त होकर के अपना राज्य छोड़ दिया और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। जब मौत आई तो मौत के सिर पर पांव रख के भगवान के द्वारा भेजे हुए विमान पर चढ़े और ध्रुव लोक में चले गए और अभी वहां भगवान का भजन करते हुए रहते हैं, ध्रुव लोक में उनका निवास है। अब ध्रुव का बेटा महाराज ध्रुव से भी आगे बढ़ गया, जन्मलोपशांत आत्मा, उसका नाम था उत्कल, उत्कल माने ये ऊर्जा देश जो है ना उत्कल बोलते हैं, ये जिसके नाम पर बताया गया वो है उत्कल नारायण। अब उनको जन्म से ही महाराज ध्रुव भक्त थे, ध्रुव भक्ति थी उनके हृदय में, उनका बेटा ज्ञान रूप अवतीर्ण हुआ नारायण, उसको तो कहीं किसी से संग ही नहीं, आसक्ति नहीं, न लेना न देना, न दुनिया का कोई जवाब। अब जब ध्रुव चले गए वन में तो मंत्रियों ने इकट्ठा होके उससे कहा कि तुम राजा बनो, बोले बाबा हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको ये खटपट नहीं चाहिए, हमको शांति से रहेंगे। फिर उनकी दूसरी पत्नी का जो पुत्र था नारायण, उसको उन लोगों ने राजा बना दिया और वो राज्य किया। उन के छठी पीढ़ी में समझो एक अंग नाम के राजा हुए ध्रुव के। अब उनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने यज्ञ किया और जब यज्ञ किया तो देवता लोग यज्ञ में आए नहीं, तो मालूम पड़ जाता है कि देवता लोग यज्ञ में आए कि नहीं आए। जहाँ यज्ञ अश्रद्धा से होता है, विधि पूर्वक नहीं होता है और ब्राह्मण लोग मंत्र शुद्ध पढ़ते हैं नारायण, वहाँ देवता लोग नहीं आते हैं, तो मालूम पड़ गया कि देवता नहीं आए। अब उसने कहा कि देवता लोग हमारे यज्ञ में क्यों नहीं आते हैं। ब्राह्मणों ने चिंतन करके बताया, विचार करके, कि देवता लोग तुमसे बहुत निराश हैं। क्या निराश है, कहीं से बेटा होता तो आगे भी इनके यहाँ हमको पूजा मिलती, हमारी पूजा होती और पितरों को श्राद्ध होता, अब इनके तो बेटा नहीं है तो हम इनके आके क्या करेंगे। तो वो अंग ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो हमारे बेटा होना चाहिए। अब उन्होंने महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ में देवता प्रसन्न हुए तो उनकी जो पत्नी थी सुनीता, सो नारायण सुनीता के जो पिताजी थे वो मृत्यु के रूप के हो, वो मृत्यु की पुत्री थी सुनीता, तो नाना कांस को नाती में आता ही है, थोड़ा नाना नानी चाहता है, थोड़ा दादा दादी चाहता है, थोड़ा माँ बाप चाहता है और थोड़ा गर्भ के समय में माता जैसा आचरण करती है, खाती पीती है,
जैसा मन होता है उसका उसका असर पड़ता है, फिर पैदा होने पर जैसा संग रंग मिलता है उसका असर पड़ता है, सात बातों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। ये बात चरक संहिता में माने जो आयुर्वेद का ग्रंथ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखी है। तो नाना का जो अंश है, बेटा तो हुआ पुत्र की गति करने पर सोई खाके गर्भ से नारायण, लेकिन जो बेटा अपने नाना पर चला गया और नाना पर चला गया तो मौत मराज बस, वो तो बचपन में ही किसी को नोच ले तो किसी को काट ले, थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चों को उठा उठा के कुएं में फेंक दे, जला ढोंक के मार दे। अब तो राजा जो है उनको बड़ा दुख हुआ कि हाय हाय, पहले तो हम पुत्र के बिना दुखी थे, अब ये पुत्र हुआ तो ऐसा दुष्ट पुत्र हुआ नारायण कि हम राजा रह के क्या करेंगे, ये तो हमारा सत्यानाश कर देगा। तो महाराज एक दिन रात को ये दुखी हो रहे थे, दुखी होते होते उनके मन में एक विचार कौंध गया और ये विचार आया उनके मन में, ये भगवान ने हमको दुष्ट पुत्र दिया तो बहुत अच्छा किया, हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, यदि अच्छा पुत्र देते तो हमारी उससे आसक्ति हो जाती, प्रीति हो जाती और हम उसके प्रेम में फंस के संसार में रह जाते, लेकिन जब बुरा पुत्र दिया तब हमारे मन में अब वैराग्य होना चाहिए, उसकी आसक्ति में हमको नहीं फंसना चाहिए, सचमुच भगवान ने संसार से छुड़ाने के लिए हमको ये बुरा बेटा दिया है, ये तो भगवान की बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, हमको वैराग्य तो होगा, बेटा नहीं था तब भी दुख हो महाराज, बेटा हुआ तब भी दुख, बेटा होके बुरा हो जाए तब भी दुख, मर जाए तो भी दुख, अरे भगवान को बजो ना, जो महाराज सबके बेटे हैं, सबके बाप हैं, सबके भाई हैं, सबके हृदय में रहते हैं, अपने आत्मा है, अब वो तो महाराज ये रात को चुपचाप घर छोड़ के निकल गया और निकल जाने कहीं ऐसा जंगल में चला गया कि सारी सरकार में हो और मंत्रिमंडल में नारायण बड़ा बड़ा प्रयास किया परंतु वो राजा मिला नहीं कि कहाँ गया। अब ये हुआ कि फिर बिना राजा के देश रहेगा तो सब लोग मनमानी करने लगेंगे, इसलिए आओ वेन को ही राजा बना दे। सो महाराज ये उत्तराधिकारी है, अब तो वेन को राजा बना दिया, वेन का जब राजा बना महाराज तो उसने पहला काम ये किया कि दौड़ू दौड़ी पिटवा दो सारे देश में, कोई यज्ञ न करे, कोई दान न करे, कोई व्रत न करे, और नारायण होम करना हो तो विनाय स्वाहा मंत्र बोला जाए, इंद्राय स्वाहा मंत्र न बोला जाए, मैं पूजा करने हो मंदिर में तो हमारी पूजा की जाए, मैं ईश्वर हूँ मेरे सिवाय और कौन ईश्वर होता है। लेकिन राजीव मात उसके राज्य में ये बढ़िया हुई, क्या बढ़िया हुई कि जितने चोर डाकू थे उसकी उग्रता देख करके, जब तक दंड में तेजी नहीं होती है ना तब तक महाराज बदमाश लोग जो है वो दंडते नहीं है, हम लोगों का जो आजकल का राज्य है ना ये बदमाश लोग जिसको वोट ज्यादा दिलवाते हैं वो महाराज जल्दी ज्यादा विजयी हो जाता है, बदमाशों के हाथ में डंडे के बल पर हम जानते हैं, मुजफ्फरनगर में एक बार रोड पड़ रहा था तो महाराज सब सड़कों पर ले लेके लाठी और वो लोग सिंध लोग जो है वो खड़े थे कि देखो हमारे पक्ष में वोट देना हो तो जाओ नहीं तो हम सिर्फ फोड़ देंगे। अब गुंडे महाराज नारायण परंतु कश्यपी दंड नहीं तो बताया, जब दंड जो है वो निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है नारायण, जब दंड देने में संकोच होने लगता है तब संसार में दुष्ट बढ़ जाते हैं, और वो तो बड़ा उग्र दंड था महाराज, उसके राज्य में न कोई चोर न कोई डाकू न कोई बदमाश न कोई दूसरे के धन का अपहरण करे, हाँ उसने धर्म के बाहु पर रोक लगा दी तो ऋषि लोगों को महात्माओं को बड़ा दुख हुआ और उसके पास गए, कहते तो राजा ऐसा करना नहीं चाहिए, तुम्हारे पिता पितामह सब लोग धर्म का पालन करते आए हैं और ऋषि लोग नारायण एकांत में बैठ करके प्रजा के हित का चिंतन करते हैं, समग्र विश्व सृष्टि को शुद्ध रहने के लिए संकल्प करते हैं, उनके संकल्प से प्रजा का बड़ा कल्याण होता है, सो धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। अब तो वो बोला कि तुम लोग मूर्ख हो,
हमारे सिवाय और कौन ईश्वर होता है, सब देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं, तुम लोग हमारी पूजा करो, हमको मानो। अब तो ऋषियों को आया क्रोध महाराज, और उन्होंने जो हुंकार किया तो उनके हुंकार ध्वनि से ही ऐसा भय हुआ बेन के चित्त में कि उसका हार्ट फेल हो गया, मर गया वो, मर गया, अब तो महात्मा लोग चले गए। और चले गए तो जो उसकी माँ थी सुनीता बड़ी चलाक थी, सोचने कहा कि हमारे बेटे की लाश जो है वो रखना चाहिए, अब तो मसाले में नारायण और एक पिटारी बना के और रख दिया। थोड़े दिनों में क्या हुआ कि जो दुष्ट डाकू चोर जो संसार में नारायण बढ़े हुए थे, वे सब के सब गुतले हुए थे, तो सब के सब ऊपर उठ के आ गए और प्रजा को लूटने लगे। न किसी का घर सुरक्षित, न खेत सुरक्षित, न बाल बच्चे सुरक्षित, न जाना आना सुरक्षित। नारायण अब तो प्रजा में हलचल मच गई, जहाँ देखो वहाँ धूल उड़ रही है, न खेती है, न बगीचा है, न पानी है। अरे अब तो ऋषियों को फिर चिंता हुई, क्योंकि कोई कितना भी ज्ञानी होए नारायण वेद शास्त्र का, और कितना भी उदार होए, बुद्धिमान होए, तपस्वी होए, लेकिन जब प्रजा के ऊपर कोई कष्ट आवे तो उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण समद्रिक शांतो दीना नाम समुपेक्षक श्रवते ब्रह्म तस्यापि, नारायण उसका सारा पढ़ा लिखा जो है वो बह जाता है जैसे खड़ा फूटा हो और पानी बह जाए। तो दीनों की उपेक्षा, दुखियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर संत लोग इकट्ठे हुए, महात्मा लोग और नारायण इकट्ठे होकर के गए कि अब क्या करना चाहिए। वहाँ इकट्ठे हुए सुनीता ने बताया, हमारे बेटे की लाश रखी है, आप लोग इसको जिंदा कर दो, जिंदा करेंगे तो फिर राजा रहेगा तो उपद्रव करेगा वैसे ही, और नहीं रहेगा तो चोर डाकू बढ़ जाएंगे, अब करना क्या चाहिए। तो महाराज उसके शरीर का मंथन किया गया, ये भी एक विद्या है। देखो ये जो शरीर में वीर्य होता है, स्त्री के शरीर में रज होता है, पुरुष के शरीर में वीर्य होता है, मर जाने पर भी शरीर के उसकी जो शक्ति है उसका कहीं रोग थोड़ा ही होता है, वो बीज से रहता है। वो विद्या लोगों को नहीं आती है महाराज, ऋषियों को वो विद्या मालूम थी, उसकी जान का मंथन किया गया। तो पहले जो उसके शरीर में नारायण कोष थे, दुर्गुण थे, वे मूर्तिमान होकर के निकले। अच्छा भाई तू आज अलग बैठ जा, अब बाहु व्याम मंथ मारा व्याम, क्षत्रिय शक्ति रहती है राज्य शक्ति बाहु में, जिसके बाहु मजबूत नहीं है वो नारायण वो क्या राजा होगा। बाहु मजबूत चाहिए, बाहु मारे अपने पार्श्वभक्ति भी अच्छे चाहिए, कर्म की शक्ति भी अच्छी चाहिए, केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि के साथ बल भी चाहिए। ना ब्रह्म क्षत्र वर्धते, ना क्षत्रम ब्रह्म वर्धते, यदि दिमाग न हो तो हाथ से क्या होगा, और हाथ न हो तो दिमाग से क्या होगा। तो हाथ है शासन नारायण और दिमाग है ब्राह्मण, जब ये दोनों शक्ति सम्मिलित होकर काम करती है, जस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदना, जब दोनों मिल के काम करते हैं तब मनुष्य तब वो प्रजा का कल्याण होता है। अब बाहुओं का मंथन हुआ हमारा, तो उसमें से भगवान के अंशावतार प्रभु और उनकी पत्नी अर्ची, दाहिने हाथ में से राजा पृथु और बाएं हाथ में से अर्ची उत्पन्न हुई। अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण है, सिंहासन पर बैठा करके ऋषियों ने उनकी पूजा की, बड़ा आदर सत्कार हुआ। अब ये प्रभु की कथा जो है वो आपको कल प्रातः काल सुनाएंगे। और हमारा